नाम मेरा रमेश कुमार है। मेरा गांव नक्की मढ़िया है, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर है, तहसील मिश्रिक है, थाना सनना है, पोस्ट शमशापुर। मैं यहाँ लखनऊ में रिक्शा चलाने आया करता हूँ अपने पेट पालने के लिए। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि समान शिक्षा प्रणाली को लागू करें, जिससे गरीब अशिक्षित बच्चों को शिक्षा मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी गरीबों के साथ खाना खा सकते हैं, परंतु गरीबों के बच्चों के साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते। गरीबों के साथ खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा खाना तो पशुओं को भी खिलाया जा सकता है। जिनको गले में रस्सी से बांधकर खूंटे से बांधा जाता है, ये गरीब पशुओं से कम नहीं है, क्योंकि ये गरीब अशिक्षित हैं। बड़ी बात तो यह है, जो गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए भूखों मरता हो। मैं तो संदीप पांडे के आमरण अनशन का समर्थन करते हुए बड़ी बात यह मानता हूँ, जो गरीबों के बच्चों की शिक्षा के लिए 10 दिनों तक भूखे रहे। इन दोनों विषयों को गरीब और अमीर दोनों अपने तराजू से तौल कर समझें कि कौन हल्का कौन भारी। दोनों की अच्छाई और बुराई को गंभीरता से समझें। समान शिक्षा प्रणाली लागू करो। सन 1968 में कोठारी आयोग ने सरकार को सिफारिश की। आज तक किसी भी दल की सरकारों ने नहीं दिया ध्यान। जितने भी सरकारें हुई, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी हो, या बहुजन हो, या भाजपा हो, किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सोशलिस्ट पार्टी ने इस पर संघर्ष किया। 18 अगस्त 2015 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश किया, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने का आदेश किया। समान शिक्षा प्रणाली लागू करने से उत्तर प्रदेश सरकार, समाजवादी सरकार ने किया इनकार। न्याय का आदेश होने पर भी सरकार इस पर आदेश नहीं कर रही, इतने इनकार कर रही। हमारे गरीब भाई हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मांग की जाए कि हमारे जो गरीब अशिक्षित कमज़ोर हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों की स्थिति इस तरह की है कि वहाँ पर पढ़ाई के बजाय जो बच्चों की, हमने कुछ कापियाँ देखी, मैं थोड़ा पढ़ा हूँ, जो कि मैंने देखा तो अपने में पड़ोस के स्कूल के गांव के बच्चों की, तो उनमें क्या लिखा, उनका नाम टेढ़ा मेढ़ा 100 बार, कहीं तो कहते हैं 150 बार। तो मैंने बच्चों से पूछा कि बेटा ये क्यों आपने लिखा, तो कहते हैं कि जब बच्चे शोर मचाने लगते हैं तो दीदी जी कहने लगते हैं कि अपना 100 बार नाम लिखो, और नाम लिखकर भी उस पर टीचर सिग्नेचर कहीं भी नहीं मिला। ये स्थिति है सरकारी स्कूलों की। ये देगर जो उनसे 2.5 9 का ही पूछ दो तो ये नहीं बता सकते हैं कि 29 होता है। ये शिक्षा सरकारी स्कूलों की है। ये नाम लिखना हमने 2-4-10 बच्चों से वो किया जो कि अपना नाम ठीक से नहीं लिख पाते हैं, और जो लिख पाते हैं तो वो ऐसे हैं जिनके अभिभावक यानी माता पिता किसी गांव में कोई उनको पढ़ाने वाला है, या कोई अदर यानी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं और नाम वहाँ लिखा है, वही कर सकते हैं, और कोई इंक्वायरी होने पर उन्हीं को टीचर खड़ा कर सकते हैं कि हाँ देखिए ये पढ़ते हैं। और जो सरकारी स्कूल में, निजी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनको न तो कक्षा 8 पास हैं, 100 तक गिनतियाँ भी नहीं मालूम हैं, हिंदी वर्णमाला का ज्ञान उनको नहीं है। ये समस्या हमने एक बच्चे को देखा कि उसका विद्या ज्ञान में उसका नाम भेजा गया, तो उसने कहा कि इनको कुछ बता दीजिए, देखिए ये क्या है। तो उसने लिखा था कि अंग्रेजी में साफ साफ नाम डालें, तो हमने कहा नाम डालिए अपना बेटा, ब्रजकिशोर नाम था, आज के 3 वर्ष हो गए पिछले, तो हमने कहा बेटा अपना नाम डालिए। तो उसने कहा कि हम अपना नाम लिखना ही नहीं जानते हैं। तो हमने कहा जब ये
हिंदी में अपना नाम नहीं लिखना जानता है तो इसको विद्यागान में भेजने से क्या फ़ायदा है।